हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीलम्स कुकिंग विद लाइफस्टाइल। दोस्तों, मेरे यहाँ ये पालक पनीर मिक्स का सुहाना का मसाला आया था। ये रेडीमेड मसाला है और मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना हम इसे कुछ अलग तरीके से बनाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे पनीर की जगह मशरूम का यूज़ किया है और साथ ही साथ आलू का भी यूज़ किया है। आलू और मशरूम के साथ पालक पनीर मिक्स कैसा लगता है, तो चलिए इसे बना के देखते हैं। हम इसे इसी के मेथड से बनाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे पालक को धो के अच्छे से काट लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे आलू को, बड़े साइज़ के आलू थे इसलिए 1/2 कट किया है। मशरूम को भी हमने अच्छे से साफ करके काट करके रख लिया इस तरीके से। 4 टमाटर जिसे हमने अच्छे से चॉप्ड कर लिया है। 2 प्याज जिसे हमने अच्छे से चॉप्ड किया है। अब हम सबसे पहले कुकर में पालक को धो के साफ करके अच्छे से उबलने के लिए बैठाएंगे। सब्जी को हम प्रॉपर इसी इंस्ट्रक्शन से बना रहे हैं जैसा इसमें बताया गया है पैकेट के पीछे। अब हम इसमें पानी डालकर ढक्कन लगाकर इसे बैठा देंगे गैस पे और सीटी आने का वेट करेंगे। यहाँ पर मेरा पालक जो है वो उबल चुका है। मैंने इसे निकाल के पहले ही अलग करके ठंडा करके रख लिया था। अब मैं इसे मिक्सी के जार में इस तरीके से डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि ये पेस्ट के फॉर्म में तैयार हो जाए। अब ये यहाँ पे मेरा पालक का जो पेस्ट है वो एकदम तैयार हो चुका है। इसके बाद हम कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल हमको 2 टेबलस्पून लेना है और इसे अच्छे से गरम करना है। गरम करने के बाद हम इसमें जो हमारे कटे हुए आलू के पीसेस थे, हम उन्हें इस तरीके से डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यह हम इसमें अपने सभी आलूओं को एक साथ फ्राई कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करने में बहुत ज़्यादा तेल यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक साथ सभी आलू को फ्राई कर लिया है। ये हम इस तरीके से इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए, इसके ऊपर गोल्डन कलर की लेयर ना लगने लगे। ये देखिए, ये आलू फ्राई हो रहा है। आप देख सकते हैं आलू हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। दूसरी तरफ हम टमाटर के जो चॉप पीसेस, दूसरी तरफ हम टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में और इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरीके से टमाटर प्यूरी तैयार है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे ऑनियन। ऑनियन को हमको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हम इसे चलाते हुए भूनेंगे ताकि प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, प्याज फ्राई हो चुका है। जब प्याज आपका गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी डालने के बाद हम इसे तब तक चला के पकाएंगे जब तक इसका पानी पूरा सूख ना जाए और तेल ऊपर तेल ना दिखाई देने लगे। इस तरीके से हम इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें मशरूम डालेंगे। मशरूम डालने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छे से सभी मसालों के साथ मिक्स करेंगे चलाते हुए इस तरीके से। पहली बार इसे मशरूम के साथ बनाने, पता नहीं कैसा लगेगा, फिर भी एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा। ये पालक पनीर मिक्स मसाला है। इसको हम इस तरीके से एक बर्तन में निकालेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे चलाते हुए इस तरीके से इसका एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। ये हमने अब पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को हम
मशरूम में ऐड करेंगे इस तरीके से। ऐड करने के बाद अब इनसे मशरूम और प्याज के टमाटर के साथ मिक्स करेंगे इस तरीके से। इसमें हमने आलू भी डाल दिया है जो फ्राई किया था, वो वीडियो स्किप हो गया है गलती से, सॉरी। पर आप इसमें साथ ही साथ आलू भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें तेल ऊपर दिखने लगा है और इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी थिक है। हम इसे 5 से 10 मिनट इस तरीके से पकाएंगे सभी मसालों के साथ। अब हम इसमें पालक की प्यूरी डालेंगे और प्यूरी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप भी इस मसाले को चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी अदर इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हैं, जैसे पालक, आलू पालक हो गया, पालक मशरूम हो गया, पालक पनीर हुआ, आप बना सकते हैं। आप इसको वीडियो को देखते हुए एक बार ज़रूर बनाइएगा इस पैकेट को, और आपको ये मसाला कैसा लगा और आपको इसके मसाले द्वारा बनाई गई ये सब्जी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये झटपट में बनाने का एक अच्छा तरीका है, अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर आपके पास ये मसाला अवेलेबल है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसे, ज़रूरी नहीं कि आप इसे पालक में ही बनाएं, आप आलू में भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर में भी यूज़ कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है टेस्ट। बस ये हमारा मशरूम आलू पालक मिक्स बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा और देखने के बाद आपने इस मसाले का यूज़ कैसे किया, किस रेसिपी के साथ किया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।